एक्टिंग है क्या? एक ऐसा झूठ जिसको हम सच बनाकर प्रेजेंट करते हैं। आज आपके साथ हम एक्सरसाइज करेंगे। जैसे आप बाइक पर कहीं जा रहे थे और जाते जाते आपका एक्सीडेंट हो गया, पैर से खून बह रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। रात के 3 बजे ये एक्सीडेंट हुआ, सड़क पर कोई भी नहीं है आपको हेल्प करने के लिए, चल नहीं पा रहे हो। ये खून खास तौर से इसलिए लगाया है, फिल्मी खून, ताकि आप इसको फील कर सको। क्योंकि एक्टिंग क्या है? जो झूठ है, जो हमारे साथ हुआ नहीं है, उसे हमें सच बनाकर प्रेजेंट करना है। सो इस एक्सरसाइज में आपको ये बिल्कुल सच्चाई के साथ उस मोमेंट में रहना है। उस मोमेंट में रहने का मतलब ये होता है कि जो सीन आप कर रहे हो वो आप किसी और को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि ये सच में आपके साथ हुआ है, यही आपको इमेजिन करना है। जब आप शूटिंग में जाओगे वहाँ पर उतना समय नहीं होता है कि आप आराम से परफॉर्म कर सको, खास तौर से सीरियल्स में, तो आपको वो दिखाना आना चाहिए। हालांकि आपको इस रंग की वजह से ना कोई तकलीफ हो रही है ना कुछ हो रहा है, लेकिन जब एक्टिंग करोगे तब यही दिखाना है जैसे सच में आपका एक्सीडेंट हो गया है और आपको तकलीफ हो रही है। रेडी? बी इन द मोमेंट। ये सोचो मत कि ये शूट चल रहा है और मैं शूटिंग के लिए कर रहा हूँ। सच में अगर एक्सीडेंट होता तो आप कैसे दुखी होते, क्या रिएक्शन होते, वो सब उसके साथ रहो, बने रहो। स्टार्ट। ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। यहाँ जहाँ बैठे हो वैसे ही रहो। अब देखो, एक्टर को अपने खुद के साथ बिल्कुल सच्चाई के साथ अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी होता है। किसने क्या एक्सपीरियंस किया, कितने एक्टर ऐसे थे जो झूठी एक्टिंग कर रहे थे, और कितने एक्टर थे जिन्होंने वाकई ये सोचा कि सच में मेरा एक्सीडेंट हो गया है और वाकई मुझे वो पेन हो रहा है। हाथ ऊपर करो। कितने लोग हैं जिन्होंने सच्चाई के साथ वो फील किया,
ओके, और कितने लोग हैं जिनको लगा नहीं यार मैं कर नहीं पाया, हाथ ऊपर करो। मैं उस मोमेंट में नहीं था और मैं बस एक्टिंग ही कर रहा था। ओके, तुम थे, वेरी गुड। ठीक है, बताओ क्या हो रहा था, वाकई वो एक्सपीरियंस किया तुमने? जी सर। क्या था? सोच रहा सच में एक्सीडेंट हो गया मेरा, और मैं सड़क पर पड़ा हूँ और कोई मेरा आगे पीछे है नहीं रोड पे, और मैं अकेला चिल्ला रहा हूँ, दर्द बहुत हो रहा है। ओके, मैजिक इफ नाम की टेक्निक है। क्या नाम है? मैजिक इफ में हम ये सोचते हैं कि वाकई ये मेरे साथ हुआ तो मैं कैसे करता, और उस मोशन के साथ, इमोशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यस बताओ। सर मेरे साथ एक्चुअली ऐसा हो चुका है। हाँ, तो उस टाइम पर जब एक्सीडेंट हुआ था तो मैं ऐसे पड़ा था, दो तीन दिन तक मेरे साथ कोई नहीं था, तो मैं चिल्ला रहा था और उठ नहीं पा रहा था, तो वो मैंने फील किया है। वेरी गुड, जो सनी ने बताया उसमें ये था कि रियल लाइफ में हम सबके साथ कोई ना कोई घटना घटी है, तो उन्होंने उसको रिकॉल किया और उस मोमेंट में वाकई गए और फील किया। गुड, तुमने फील नहीं किया, क्या हो रहा था बताओ? मुझे मतलब इतना रियल नहीं लगा। क्यों? पता नहीं क्यों फील नहीं कर रहा। ओके गुड, रियल नहीं लगा, फील नहीं कर पा रहा था। कौन बताएगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम फील नहीं कर पाते, क्यों रियल नहीं लगता? एक 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 हाँ बोलो। कभी भी सर ऐसा हादसा नहीं हुआ है सर। हाँ, हादसा होता ना सर तो बैक थॉट पे सर वो याद रहता सर। हादसा हुआ नहीं इसीलिए उसको ऐसा हुआ। तुम्हारे साथ हादसा हुआ कभी, ऐसा एक्सीडेंट हुआ नहीं है बचपन में कभी भी? नहीं। अच्छा, सुरक्षित बच्चा है। ठीक है सर, मेरा कली तो टूट गया। कली कली पैर टूट गया, वही एक्सपीरियंस आज कर रहा था। ओके गुड, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा एक्सपीरियंस अपना इस एक्सरसाइज को लेके? सर मेरे को मुझे गुज़बम्स आया सर बॉडी पे, फिर हो चुका था, फिर वो फील किया तो सर मतलब लगा कि सर हो रहा है, सर निकल रहा है एक्टिंग। ओके ठीक है, एक्टिंग करना मीन्स एक्टिंग ना करना, ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि अल्टीमेटली ऑडियंस को वो सच्चाई के साथ दिखना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि सच में ये हुआ है, ये खासतौर से जो खून है वो उसके लिए हम लोगों ने लाया है। आरव क्या कहना चाहता है? कि मैं साइकिल से एक बार गिरा था, तो ऐसा साइकिल एक जगह पे थी और मैं साइकिल के ऊपर से हैंडल के ऊपर से ऐसे गिरा था, सर भी थोड़ा लगा था सर को, और यहाँ पे पैर को भी लगा था थोड़ा, और मतलब दोनों पैर को लगा था बहुत ज्यादा, फिर वो एक्सपीरियंस किया। ओके वेरी गुड। देखो फिल्मों में सीन होते हैं, जैसे आपका ब्रेकअप हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको प्यार हो गया, या आप बड़े बिजनेसमैन बन गए, कुछ भी अलग अलग सीन होते हैं, वो क्या सच में होता है क्या? तो मैजिक इफ टेक्निक क्या कहती है कि आपको उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ये सोचना है कि ये सब कुछ वाकई मेरे साथ घट रहा है, ये हो रहा है। ये जब आप सोचोगे तभी आपकी एक्टिंग और रियल लगेगी। एक्टिंग झूठ क्यों लगती है अपनी? क्योंकि हम सिर्फ दिखावटी एक्टिंग करने के पीछे लगते हैं। हमें दिखावटी एक्टिंग से निकल के उस मोमेंट में जाना होगा और सच में एक्सपीरियंस करना होगा कि ये मेरे साथ हो रहा है। और वो होने के लिए क्या क्या चीज करनी होगी? सर वो माइंड में आंख बंद करके अंदर सोचना पड़ेगा कि अलग जगह बनाना पड़ेगा, जो ये है इससे निकल के अलग जगह वो मोमेंट में जाना पड़ेगा। ओके, इन शॉर्ट क्या है कि आपको स्क्रिप्ट समझनी होगी। क्या समझना होगा? स्क्रिप्ट हमारे लिए भगवद गीता, कुरान, बाइबल सब कुछ है, ठीक है? स्क्रिप्ट समझेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा? आपका कैरेक्टर समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? अगर कैरेक्टर समझ में आ गया तो उस कैरेक्टर के साथ हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, जो जो हो रहा है वो समझ में आएगा। वो समझ में आया तो उसकी वजह से आपके अंदर क्या क्रिएट होंगे? फीलिंग्स। फीलिंग्स क्रिएट होने के बाद क्या आएगा चेहरे पर? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन चेहरे पे अगर आता है तो ऑडियंस तक भी वो भाव पहुंचेगा। तो ये पूरा सर्कल है, ये ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ दिखावटी एक्टिंग करो, आ ई यू चिल्लाओ और वो पेन आपका दिखाई देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो एक्टिंग हमें करनी नहीं है, हमको कैरेक्टर को जीना है।
अक्सर लोग बोलते हैं कि कैरेक्टर में घुस जाओ घुस जाओ, ऐसा घुसना उसना कुछ नहीं होता है, हमें समझना होता है, पूरा सर्कल को कंप्लीट करना होता है, तब आप एक अच्छा कैरेक्टर प्ले कर सकते हो। आजकल एक वेब सीरीज है जो बहुत अच्छी चल रही है, उसका नाम क्या है कौन बताएगा? आरव के लिए जोरदार तालियां। कौन सी वेब सीरीज है? इसकी वेब सीरीज कितने लोगों ने देखी है? अगर आप एक्टर है और आपने नहीं देखी है तो आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो, एक अच्छा वेब सीरीज मिस कर। वेब सीरीज है, कुछ लोग बैंक में चोरी करने का प्लान करते हैं, बैंक में घुस के नोट छापने का काम करते हैं, और क्या करते हैं, सोना लूटने का काम करते हैं, गवर्नमेंट से लड़ते। ये वेब सीरीज कहाँ बनी? स्पेन में बनी, बराबर है, और आज दुनिया भर में वो एक्ट्रेस छा गए। ये मैटर नहीं करता कि आप अभी किस लेवल पे हो, ये मैटर नहीं करता कि आप किस शहर में हो, किस जगह पर हो, मैटर क्या करता है, आपका एक्टिंग स्किल। आप आज नए हो इस लेट्स एक्ट में, आप सीख रहे हो, लेकिन पता नहीं कल कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट आपको दुनिया भर में मशहूर कर देगा। कपिल शर्मा का एक शो है, आई एम नॉट डन येट, है ना शो है, एक एपिसोड देखा मैंने, उसमें कपिल शर्मा ने बहुत बेसिक चीज़ें शेयर की है उनकी ज़िंदगी की। उसमें एक किस्सा था कि उनकी कोई रिलेटिव जो शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन थी, उस रिलेटिव को उनसे मिलना था, तो मिलने के लिए मेरे ख्याल से 3 बजे रात के 3 बजे कपिल शर्मा जो घर पे अपने जो शॉर्ट्स पहनी थी उसी हालत में उसने बोला चलो शाहरुख भाई के घर पे जाते हैं। कपिल शर्मा एक मिडिल क्लास एक छोटे से परिवार से आने वाला बंदा है, हमारे जैसा ही। रात के 3 बजे वो शाहरुख खान के घर पे गया, तो जैसे ही गेट से एंट्री करनी थी तो जो लोग थे वहाँ पर, है ना, सिक्योरिटी, उनको लगा कपिल शर्मा है तो शाहरुख भाई ने बुलाया होगा, तो इसलिए उन्होंने जाने दिया। घर के कपड़ों में कपिल शर्मा, शाहरुख के घर पे कोई पार्टी चल रही थी, तो अंदर जाने के बाद जो गौरी खान है उन्होंने बोला कि शाहरुख इज़ इनसाइड, जाके देखिए, उनको भी लगा कि शायद शाहरुख ने बुलाया होगा। अंदर जाके तो उसने बोला कि शाहरुख ये मेरे रिलेटिव है, इसको आपसे मिलना था, बहुत बड़ी फ़ैन है, इसीलिए मैं डायरेक्ट आ गया। और उसके बाद वो 3-4 घंटे वहीं पर शाहरुख खान के घर पर रहा, समय बिताया, वहाँ पे जो भी पार्टी थी फंक्शन थी उसमें उन्होंने कपिल शर्मा जैसा नॉर्मल बंदा शाहरुख खान के घर पे रात में 3 बजे जाता है और शाहरुख खान उसका वेलकम करता है। अगर हम शाहरुख खान के घर पे 3 बजे जाए तो क्या होगा? वॉचमैन। तो अपनी 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 एक लेवल, अपनी एक औकात बनानी पड़ती है, और वो औकात कैसे बनती है बताए, अपने आर्ट से। कपिल शर्मा स्टैंड अप कॉमेडियन है, मनी हाइस्ट जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, वो आर्टिस्ट बहुत प्योर है। उसमें का जो आर्टिस्ट है मेन प्रोफेसर, वो प्रोफेसर 10-12 साल से उनका संघर्ष चल रहा था, थिएटर आर्टिस्ट है, थिएटर ग्रुप है उनका, और उनकी बीवी बोलती थी कि तुमसे कुछ होने वाला नहीं है, तुम भूल जाओ इस चीज़ को, कोई छोटा मोटा रोल कुछ हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और ऐसे में उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली। ये भी रोल ऐसा नहीं था कि वो गए और उनको मिल गया, डायरेक्टर का कहना था कि ये थोड़ा शर्मीला बंदा है, ये जो प्रोफेसर है ये थोड़ा शर्मीला है लेकिन बहुत टैलेंटेड है, बहुत शार्प है माइंड इसका, बहुत बड़ा गेमर है, प्लानर है, लेकिन इनोसेंट है, उसूलों का पक्का है। तो सब चीज़ों के लिए उनका फिर से ऑडिशन हुआ, उन्होंने उसकी तैयारी की, और वो सीज़न तो आपने देखा ही है, वो वेब सीरीज तो देखी है। बर्लिन ए से लेकर जेड तक सारे के सारे कैरेक्टर उसके बेस्ट है। तो पॉइंट मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को कि आज आप लेट्स एक्ट की इस क्लास में एक्टिंग सीख रहे हो, एक एक्टर बनने के लिए आया हुआ एक लड़का है, एक बंदा है, लेकिन कल आपको यही फील्ड कहाँ लेके जाएगी आपको पता नहीं है। तो एक से एक छोटी सी छोटी एक्सरसाइज को आपको बहुत सीरियसली करना है, समझना है, चीज़ों को तह तक समझना है। सतही तौर पर एक्टिंग करोगे, सतही तौर पर चीज़ों को समझोगे तो आपके हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है, लेकिन पेशेंस के साथ काम करोगे तो आपको ये फील्ड एक ऐसे लेवल पे लेके जाएगी जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। टैलेंट ही सब कुछ है, आपका जो एक्टिंग है वही आपको एक लेवल पे लेके जाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज थी सिर्फ
एक बंदा बाइक पे जा रहा है, उसको नीचे गिर गया और उसके पैर पे जख्म हुआ, वहाँ तक ख़त्म नहीं होती। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे लेसन्स हैं। मैजिक इफ़ का लेसन है कि अगर मैं सच में मैं बाइक चलाता और मेरा एक्सीडेंट होता तो मैं कैसे बर्ताव करता। बिलीव का है कि वो बिलीव करना है कि ये सच में मेरे साथ हुआ है, उस मोमेंट में रहना है, उस मोमेंट में जीना है। ये नहीं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे पैर को जख्म हो गया और मैं वो दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं। एक्शन और कट के बीच में जो आप दिखा रहे हो वो सब कुछ सच है और वो उसी सच्चाई के साथ आपको उस मोमेंट में रहना है। दैट्स व्हाट एक्टिंग इज। क्लियर सबको?